जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे सामने आप लोगों ने प्रीवियस पेपर्स में देखे होंगे कि कितने क्वेश्चन मिलते हैं और किसने नहीं। ये पेपर जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे सामने यदि किसी के पास बुक रखी हुई है सुरेंद्र कटारिया जी की तो बहुत अच्छी किताब आती है, सुरेंद्र कटारिया जी। और इसके अलावा एक और बुक है शायद बी एल फड़िया की भी एक बुक आती है, लेकिन कटारिया जी की बुक अच्छी है। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगा देता हूँ, इसके बाद जो है हिस्ट्री के भी मैं साझा कर दूँगा और सोशोलॉजी के भी, तो जो दूसरी सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। 10 बजे से पहले अपलोड कर दूँगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना वो तो यहाँ पर यही बनता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग स्कोप नेचर, यानी लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति और क्षेत्र, आप इतना सा इसको पढ़ लीजिए। और इसके बाद जो है प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी निजी और लोक प्रशासन जो होता है उसमें क्या अंतर है, ये क्वेश्चन एक बार आ सकता है। और पॉलिटिक्स का राजनीति का प्रशासन से द्विभाजन, ये भी कई बार एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि आप लोग जो हैं मीनिंग स्कोप और नेचर को अच्छे से रीड करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो मुख्य कार्यपालिका और उसके फंक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है, चूँकि इसमें काफ़ी टॉपिक है, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पद सोपान के ऊपर बनता है, क्योंकि पद सोपान का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़िया बनता है, तो पद सोपान को आप लोग देख लें। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जो है उनमें क्या अंतर होता है, तो एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ और सूत्र वाला जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है, चौथे नंबर पे ये है, और इनमें से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि हम लोग यूनिट 3 की बात करें तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इकोलॉजिकल अप्रोच है रिक्स की, इसको आप लोग अच्छे से देख लें, एक ह्यूमन रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एल्टन मेयो को आप लोग देख लें, और डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है हर्बर्ट साइमन की वो देख लें आप लोग, और मेरे सामने यदि आप लोग ये तीन चीज़ें पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए। इसमें जो है आप लोग हर्बर्ट साइमन को देखें और प्रशासनिक नेतृत्व को भी यदि चाहो तो देख सकते हो। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रशासन के ऊपर जो तीनों प्रकार के नियंत्रण होते हैं तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें, यानी विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और अन्य लोकप्रिय नियंत्रण जिसमें मीडिया भी आता है और दूसरे कंट्रोल जो है आते हैं, वो आप लोग, तो एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से देखिएगा। उसके बाद ये जो कंट्रोल है इनकी क्या क्या लिमिटेशन है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब में, लेकिन पहला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग कार्मिक प्रशासन की यदि बात करें तो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की समस्याएँ, और एक क्वेश्चन जो है जो मेरे हिसाब में बनता है वो है डिसिप्लिन अनुशासन और कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन और अनुशासन की अवधारणा, तो ये क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब में इस वाले यूनिट से बनते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक्स दे रखे हैं, मैंने भी इनके कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे शायद आप लोग देखोगे तो यूट्यूब पर भी, तो आप लोग इसको रीड करिएगा, एक ही दिन है आप लोगों के पास। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।